डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है टेकिंग मेजरमेंट्स इन एवरीडे लाइफ एंड व्हेन कैरिंग आउट साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट यू यूज योर सेंसेस टू मेक ऑब्जर्वेशंस। डेली लाइफ में जब आप साइंटिफिक तजुर्बात कर रहे होते हैं तो आप अपनी सेंसेस इस्तेमाल करते हैं ऑब्जर्वेशंस के। ऑब्जर्वेशंस में मुशाहदा, यू कैन स्मेल गैसेस गिवन ऑफ, आप गैसेस को स्मेल कर सकते हैं। सी कलर्स चेंज, और कलर्स के चेंज होने को देख सकते हैं। एंड हेयर फ्रीजेस एंड फॉग्स, और झुनझुनाहट को सुन सकते हैं। वेन एवर यू कैन नॉट यूज योर सेंसेस फॉर एवरीथिंग एंड यू कैन नॉट ट्रस्ट देम टू गिव द करेक्ट आंसर, हाउएवर ताहम हम अपनी सेंसेस को हर काम के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते और ना ही करेक्ट आंसर देने के लिए इन्हें यूज कर सकते हैं। फॉर्चुनेटली देर आर मैनी क्वेश्चंस सच एज वेइंग योरसेल्फ एट होम, कई मौके ऐसे हैं जहां पर हम अपनी सेंसेस इस्तेमाल नहीं करते बल्कि हमें मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करने पड़ते हैं। जैसे हम अगर घर में अपना वजन करना चाहते हैं तो वो हम गेस करके नहीं बता सकते हमारा वजन केजी है, उसके लिए हमें एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की जरूरत होती है। डूइंग एक्सपेरिमेंट इन क्लास, और अगर हम क्लास में कोई तजर्बा कर रहे हैं उसके लिए भी हमें मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट चाहिए। व्हेन यू डू नॉट हैव टू डिपेंड ऑन योर सेंसेस टू मेक ऑब्जर्वेशंस, ये वो काम है जिनमें हम अपनी ऑब्जर्वेशन के लिए सेंस इस्तेमाल नहीं कर सकते। यू कैन यूज मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इंस्टेड, इसके अलावा हमें इस काम के लिए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करना चाहिए। सो डू नॉट डिपेंड इंटायरली ऑन योर सेंसेस, इसलिए मुकम्मल तौर पर अपनी सेंसेस पर ही आप डिपेंड ना हो। यूज अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट वेन एवर यू कैन, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करें जहां तक हो सके। नीचे हमारे पास डिफरेंट फोटोग्राफ्स हैं जहां पर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट दिए गए हैं और उनके यूनिट्स। फर्स्ट मेजरमेंट इज लेंथ, द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी मेजर्ड विद अ रूलर और अ टेप मेजर। लेंथ को हम रूलर के साथ मेजर कर सकते हैं और टेप मेजर के साथ, दिस वन इज टेप मेजर। मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर एंड किलोमीटर आर द यूनिट्स ऑफ द लेंथ। जी, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, ये किसके यूनिट्स हैं? लेंथ के। नेक्स्ट इज वॉल्यूम, वॉल्यूम इज द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट। वॉल्यूम वो जगह होती है जो कोई भी ऑब्जेक्ट घेरता है। द वॉल्यूम ऑफ आर रेगुलर और इवन शेप्ड ऑब्जेक्ट सच एज क्यूब कैन बी फाउंड बाय मल्टीप्लाइंग इट्स लेंथ बाय इट्स विथ एंड बाय इट्स हाइट। अगर हम किसी रेगुलर शेप का वॉल्यूम मेजर करना चाहते हैं तो हम उसकी तीनों लेंथ्स को मल्टीप्लाई करेंगे। However, to find the volume of an irregular object, अगर हम किसी irregular और odd shaped object का volume measure करना चाहते हैं तो उसके लिए हम measuring cylinder इस्तेमाल करेंगे। In science, we use cubic centimeter as the unit of volume. Science में हम volume के unit के लिए क्या use करते हैं? Cubic centimeter. Millimeter, centiliter, लीटर और अदर यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम, ये मेजरिंग सिलेंडर है जिसे हम इरेगुलर शेप का वॉल्यूम मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और ये क्यूब शेप ऑब्जेक्ट है जिसका वॉल्यूम मेजर करने के लिए इसकी हम तीनों हाइट्स को मल्टीप्लाई करते हैं। थैंक यू।